कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण सिंह अपनी ओर से पलटवार करना जारी रखे हुए हैं। ब्रजभूषण ने एक बार फिर पहलवानों के आरोपों को निराधार बताते हुए विवादास्पद बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है ये मुकदमा छुआछूत का है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वहीं पहलवान विनोद फोगाट ने ब्रजभूषण के छुआछूत वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके घर में भी माँ बेटी और महिलाएं हैं। बता दें कि विनोद फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत तमाम पहलवान जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से धरने पर बैठे हुए। इससे पहले 18 जनवरी को पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। तब पहलवानों ने ब्रजभूषण और कोच पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए। हालांकि खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था। तब खेल मंत्रालय पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जाँच के लिए कमेटी का गठन किया। अब 3 महीने बाद फिर धरना दे रहे पहलवानों ने अब कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। साथ ही ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की।